राबड़ी देवी के पटना स्थित आवास पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। वहां पर राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। 12 सीबीआई के अधिकारी इस वक्त लालू राबड़ी आवास पर मौजूद हैं। गहन सुरक्षा के बीच ये पूछताछ चल रही है। तकरीबन आधा घंटा बीत चुका है। नौकरी के बदले जमीन देने का मामला, जिसको लेकर 15 मार्च को समन दिया गया था। लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को पेशी का, राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 मार्च को पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले सीबीआई की टीम उनके आवास पहुंच चुकी है। तो ये घोटाला क्या है आपको बता दें, 2004 से 2009 के बीच का ये मामला है। नौकरी के बदले उपहार में जमीन लेने का आरोप उस वक्त इनकी सरकार पर लग रहे थे। लालू यादव के परिवार और करीबियों को जमीन मिला है, दिए गए हैं। लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान ये घोटाला हुआ है। दिल्ली की एक अदालत में ये पूरा मामला चल रहा है। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, राहुल गौतम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल का रुख करते हुए, क्योंकि वो सीबीआई के दफ्तर के बाहर से बने हुए हैं। राहुल, देखिए पूरा का पूरा मामला, लगभग 8 साल बीत चुके हैं, 2015 का ये मामला है। इन 8 सालों में किस तरीके से सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की है, क्या कुछ हुआ है अब तक, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पिछले साल 21 मई को राबड़ी देवी, मीसा भारती और जो तमाम सदस्य हैं लालू प्रसाद यादव के परिवार के, उनसे जुड़े हुए जगहों पर छापेमारी की गई थी, कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे ऐसा मानना है सीबीआई का। और उसी साल 15 मार्च को बकायदा एक चार्जशीट फाइल की गई थी इस पूरे मामले के अंदर। देखिए आरोप है कि 2004 और 2009 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे, उस समय तकरीबन 7 ऐसे केस सामने आए जिसमें जो व्यक्ति हैं उनको सरकारी नौकरी मिली ग्रुप डी के अंदर, रेलवे के अंदर, और उनके परिवार ने जो अपनी जमीन है वो ट्रांसफर कर दी लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के नाम पर। तो कुल मिलाकर इसको लैंड फॉर स्कैम, लैंड फॉर जॉब स्कैम का नाम दिया गया है। जो सीबीआई है, ये बताया जा रहा है कि 12 सदस्यों की जो टीम है वो फिलहाल मौजूद है लालू प्रसाद के घर पर और अभी पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के जो वकील हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन इसको टाइमिंग को लेकर जो आरजेडी है वो काफी आक्रामक है, क्योंकि कल ही एक लेटर लिखा गया था, आप जानती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को ये कहा गया था कि जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें सीबीआई और ईडी का नाम भी था, और उस लेटर के जो सिग्नेटरी हैं वो खुद जो तेजस्वी है। राहुल रही जरा आप साथ, शशि हमारे साथ शशि भूषण इस वक्त जुड़े हुए हैं और राबड़ी देवी के आवास के बाहर है। शशि भूषण, वहां हलचल देखने को दिख रही है, क्योंकि हर बार जब भी ये टीम पहुंचती है राबड़ी या लालू के घर पर तो आरजेडी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आने लगते हैं, इसलिए सुरक्षा भी बढ़ाई गई होगी। तस्वीरें दिखाइए जरा। बिल्कुल नया, देखिए सबसे एक जो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे पहले बता देते हैं आपको। तेज प्रताप यादव जो बिहार सरकार के अंदर मंत्री हैं और लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो अब से 30 सेकंड पहले निकले हैं राबड़ी आवास से और राबड़ी देवी अभी भी अंदर हैं। मतलब ये कि अगर छापेमारी होती है तो छापेमारी के दौरान किसी के बाहर जाने या अंदर आने पर रोक होती है, तो छापेमारी नहीं हो रही है, इस बात की पुष्टि हो गई है एक तरीके से, जो हमारे सहयोगी दिल्ली से बता रहे थे उसके मुताबिक, क्योंकि राबड़ी देवी अंदर मौजूद है और सीबीआई की टीम मौजूद है और विधानसभा का सत्र चल रहा है। वैसे में अगर तेज प्रताप यादव यहां से रवाना हुए हैं, निकले हैं, तो इसका मतलब ये कि छापेमारी नहीं है। जरूर सीबीआई की टीम जो पूछताछ है जॉब फॉर लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें पूछताछ करने के लिए पहुंची है। 15 मार्च को पेशी है होनी है, समन जारी हुआ है और उसके पहले ये डेवलपमेंट इस वक्त राबड़ी आवास पे नजर आ रहा है। गामागामी है, सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, धीरे धीरे समर्थकों का जो कह सकते हैं भीड़ है समर्थकों की, वो भी जुटने लगी है, मीडिया के भी लोग हैं, तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच जो लगातार डेवलपमेंट है वो ये देखने को मिल रहा है कि राबड़ी आवास पर जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं और उनके बीच ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सुन करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एक एक करके उनको लग रहा है मालूम कि सीबीआई की टीम पहुंची है, लेकिन सीबीआई की टीम फिलहाल छापेमारी अगर कर रही होती तो अंदर से निकलना मुश्किल होता दूसरे लोगों का, लेकिन इस वक्त अगर टीम बाहर निकली है तो ये समझ लीजिए आप
आरजेडी से जुड़े हुए हैं, क्या जानकारी मिली है आपको, क्या जानकारी मिली? प्रदेश अध्यक्ष हैं शिक्षक प्रकोष्ठ के राजद के, अभी हम जा रहे थे तो मालूम हुआ कि राबड़ी देवी के पर छापा आवास पर छापा पड़ रहा है, तो हम लोग को कोई आश्चर्य नहीं लगा। आजाद गांधी जी हमारे साथ, आजाद जी क्या खबर मिली आपको? देखिए यहाँ जो है सीबीआई का जो है आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रही है, कई बिंदुओं पर पूछताछ जारी है, और एक तरह से समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सीबीआई और इनकम टैक्स का सहारा लेने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं है। ये बिहार में उसकी हालात काफी खराब है। आप कुछ जानकारी होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी अंदर किसी से बात हो पाई आजाद गांधी जी आपकी? देखिए बात तो चल रहा, लोग पूछताछ कर रहे हैं, कहीं कुछ परिणाम निकलने वाला सीबीआई को नहीं। चलिए इनको, इनके पास भी ये जानकारी है कि अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है, पूछताछ हो रही है और लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ, यहाँ जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी है उसको कहीं न कहीं बढ़ाया गया है। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है, तकरीबन दर्जन भर अधिकारी है जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक, लेकिन छापेमारी वाली बात नहीं है। इस बीच लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। रोहित हमारे संवाददाता मौजूद है उसी जगह पर जहां पटना स्थित आवास में इस वक्त पूछताछ चल रही है। रोहित, इस पूरे मामले को अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्या है ये घोटाला, इसमें तीनों का नाम कैसे सामने आया, अब जब समन भेजा गया है तीनों की पेशी होनी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, पूरे मामले की गंभीरता को समझाएं। जी बिल्कुल, देखिए आरोप बहुत गंभीर है। 2004 से 2009 के बीच में जब यूपीए सरकार में लालू प्रसाद रेलवे मंत्री थे तो उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, औने पौने जो दाम पर उन्होंने जमीन लिखवा ली लोगों से, और कई जो जमीन थी उन्होंने गिफ्ट में ले लिया और उसके बदले उन लोगों को नौकरियां दी, यानी जमीन के बदले जो घोटाला था दरअसल यही था, लैंड फॉर जॉब स्कैम, कि औने पौने दाम में जमीन खरीद ली, गिफ्ट में ले लिया और फिर नौकरियां दे दी रेलवेज में, और उसके बाद ये पूरा घोटाला जो है 2004 से 9 के बीच का बताया गया। 2017 में इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ और जब खुलासा हुआ तो उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हुई, सीबीआई ने केस दर्ज किया, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, इन सबको जो है इस मामले में आरोपी बनाया गया, हेमा जो कि लालू की बेटी है उनको भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया और केस में जो है वो छानबीन और जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू किया गया। और अब जो है पिछले कुछ दो बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले इस पूरे मामले में सीबीआई ने चार्जशीट जो है कोर्ट में वो दर्ज कर दी, वो दायर कर दी है, और अब जाकर सीबीआई की सीबीआई कोर्ट ने उस पूरे चार्जशीट का यहां पर संज्ञान ले लिया है। और हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अणे मार्ग मुख्यमंत्री का आवास है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी यहाँ थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। जो तस्वीरें हैं आपको हम दिखा रहे हैं सीधा, यहाँ देख सकते हैं हलचल काफी बढ़ गई है और नीतीश कुमार यहाँ से निकलने वाले हैं और विधानसभा के लिए वो रवाना होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नजर सबकी मुख्यमंत्री पर भी है कि आखिर मुख्यमंत्री क्या इस पर अपनी राय रखते हैं, कुछ बोलते हैं या फिर बोलने से बचते हैं, क्योंकि पिछले बार जब छापेमारी हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी सरकार पर, केंद्र सरकार पर हमला बोला था और कहा था कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अब क्या नीतीश कुमार का रुख रहता है। और खास बात देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि कल ही जो 9 विपक्षी दलों ने जो एक पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का जो पूरा का पूरा आरोप लगाया है, उसमें एक जो हस्ताक्षर था वो तेजस्वी यादव का भी था, यानी आरजेडी से तेजस्वी यादव ने भी उस पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उस चिट्ठी के लिखने के 24 घंटे के अंदर जो है लैंड फॉर जॉब स्कैम में एक बार फिर से कार्रवाई तेज हो गई है और यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी चल रही है, पूछताछ अंदर चल रही है, राबड़ी देवी की वकील यहाँ पर मौजूद हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है कि सीबीआई को कुछ नए सबूत कुछ मिले हैं और इसीलिए चार्जशीट दायर होने के बावजूद भी एक बार फिर से सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है।